नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जिसके थ्रू उन्हें अपने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अनुरूप जो जो कंप्लायंसेज हुई या जो वेरियस रिपोर्टिंग हुई वो रिपोर्ट करनी होती है। दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसके लिए हम फॉर्म 3CD भी वर्ड यूज करते हैं, इस फॉर्म 3CD में एक क्लॉज 44 इंपॉर्टेंटली जीएसटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर इस साल असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्स ऑडिट में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 44 इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आया हूं। आई होप द इनपुट्स व्हिच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड थ्रू दिस वीडियो विल बी सर्टनली यूजफुल टू यू। तो मैं यहां पर दोस्तों टैक्स ऑडिट के विषय पर कब एप्लीकेबल है नहीं है वो चर्चा करने की जगह सीधे क्लॉज 44 पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि 44 क्लॉज जो है टैक्स ऑडिट का, जिसका डिस्क्रिप्शन है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इस क्लॉज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये क्लॉज सर इंसर्ट तो हो गया था लॉ में 20 अगस्त 2018 से, लॉ में मतलब रिस्पेक्टिव रूल के अनुरूप, लेकिन ये क्लॉज अभी तक एप्लीकेबल नहीं था। इसको समय समय पर पोस्टपोन किया गया इसकी एप्लीकेबिलिटी को, और लास्ट पोस्टपोनमेंट जो इसका था कोरोना पीरियड में वो 31 मार्च 2022 तक किया गया। तो इसकी वजह से क्वेश्चन आया कि जब असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्स ऑडिट होंगी तो क्या क्लॉज 44 में चार्टर अकाउंटेंट को किसी ऐसे एसएससी के लिए जिनकी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं क्लॉज 44 फिलअप करना आवश्यक है, यानी क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग आवश्यक है या नहीं। तो क्योंकि मैंने आपसे ये बात बोली कि 31 मार्च 2022 तक ऑफिशियली लास्ट क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग पोस्टपोन की थी, तो ऐसी सभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स अपलोड होंगी उन सब में क्लॉज 44 एप्लीकेबल है और क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो इस क्लॉज 44 के संदर्भ में पूछा जाता है, वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएससी अंडर जीएसटी इज अ मस्ट। देखिए सर, आप पर जब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है एज एन एसएससी, या आपके क्लाइंट पर जब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो यह देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस एसएससी पर जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है क्या वो जीएसटी के नेट में है, यानी उनका जीएसटी नंबर लिया गया या नहीं लिया गया। यहां तो रिपोर्टिंग ये है कि वो एक्सपेंडिचर जो उस एसएससी ने क्लेम किए हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो जीएसटी से रिलेटेड एंटिटीज हैं जिनके संदर्भ में एक्सपेंस किया गया, और ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जिन पर खर्चा किया गया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जब आप क्लासिफिकेशन दे रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर का इस संदर्भ में कि ऐसा खर्चा जो रजिस्टर्ड एंटिटीज के थ्रू किया गया और ऐसा खर्चा जो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज के थ्रू किया गया, तो क्या यह भी देखना इंपॉर्टेंट है क्या कि हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बताएं या कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी क्लासिफिकेशन हो। तो दोस्तों, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है यहां पर कि चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अगर आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, क्योंकि जो टाइटल है वो है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की गई, तो आपको तैयार रहना है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का ही क्लासिफिकेशन यहां पर दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपके सामने इस बात को रखता हूं कि ये जो क्लॉज 44 है इसकी रिपोर्टिंग दिखती कैसे है या इस रिपोर्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो टाइटल जैसा आपको पहले भी बोला, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कहने का अभिप्राय यह है कि आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, उस एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन इस क्लॉज 44 के थ्रू मांगा गया है कि एसएससी ने जो जो खर्चे किए हैं उनका क्लासिफिकेशन आए कि इनमें से कौन सा खर्चा तो जीएसटी एंटिटीज के थ्रू किया गया और कौन सा नॉन जीएसटी एंटिटीज पर किया गया। अब क्लासिफिकेशन देखिए, सीरियल नंबर, नंबर वन टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए सर, फिर क्या वर्डिंग यूज हुई है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इनकर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर,
इनकर्ड का मतलब जो आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो असेसी ने सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चूज की हो, कैश या मर्केंटाइल, उसके अनुरूप असेसी ने जो टोटल एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में ले लिया हो, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, वो एक्सपेंडिचर यहां पर कवर्ड होगा, उसकी अमाउंट यहां पर मेंशन होगी। इसका अब बाइफर्केशन होगा टू का, और दो बाइफर्केशन है सर, कि पहला बाइफर्केशन है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सर, एक असेसी ने साल के टोटल 50 लाख के खर्चे किए, उसमें से जीएसटी के एंटिटीज के साथ में तो उसने 30 लाख का खर्चा किया और नॉन जीएसटी एंटिटीज के साथ में 20 लाख का खर्चा किया, तो 20 लाख तो यहां रिपोर्ट हो जाएगा एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और जो 30 लाख का खर्चा उन्होंने जीएसटी एंटिटीज के साथ किया, जिसके तीन क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, पहला रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदे लेकिन उन एंटिटीज से खरीदे जिनका जीएसटी नंबर था, तो वहां मान लीजिए 30 लाख में से 10 लाख रुपए का माल उन लोगों से खरीदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है परंतु उन्होंने एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज दी हैं। रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, मान लीजिए 30 लाख में से 5 लाख का खर्चा उन एंटिटीज से रिलेटेड है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है परंतु कंपोजिशन स्कीम में है, और रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज यानी जो नॉर्मल जीएसटी में इनपुट आउटपुट सिस्टम में है और जिनकी टैक्सेबल जीएसटी की रिलेटेड सर्विसेज या गुड्स आती हैं, मान लीजिए 15 लाख का फिगर उनसे रिलेटेड हमने खर्चा किया, तो टोटल हमारा खर्चा सर 30 लाख का। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि पहली बात तो यह सर कि कॉलम 6 में जो अमाउंट आएगी वो 3 + 4 + 5 का टोटल है, तो इसलिए जब किसी व्यक्ति ने मेरे से बोला अनूप जी टोटल पेमेंट वर्ड यूज किया है जबकि 2 में इनकर्ड वर्ड यूज हुआ था, सर इनकर्ड इज अ बिगर टर्म एज कंपेयर टू पेमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि जब फॉर्म बनाने वाले ने यहां पर पेमेंट वर्ड यूज किया तो उन्हें उसका इंप्लीकेशन उस प्रकार से नहीं पता था कि ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन यहां पर जब हम इनकर्ड का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और 3, 4, 5 में जो टोटल अमाउंट है, क्योंकि ऊपर भी एक्सपेंडिचर वर्ड है और जो कॉलम 6 प्लस कॉलम 7 का टोटल है वो कॉलम 2 में जाके बैठेगा और कॉलम 2 में वर्ड यूज हुआ है इनकर्ड, इसलिए आपको पेमेंट की जगह एक्सपेंडिचर इनकर्ड से ही अपने कॉन्सेप्ट को अपने फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। ये सर हुआ 6 का टोटल, और 6 का टोटल है कॉलम 3 + 4 + 5 का टोटल, और 6 + 7 का टोटल सर आपको कॉलम 2 में ऑटोफिल होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप हुई कि किस प्रकार से इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके साथ एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस क्लॉज 44 पर लेने जा रहा हूं, हाउ टू सबमिट द इंफॉर्मेशन, यानी जो आप डेटा यहां देने जाने वाले हैं एक्सपेंडिचर का, वो टोटल एक्सपेंडिचर एक साथ दे देना है या हेडवाइज दे देना है। ठीक है, अब मैं आपको सी इंस्टीट्यूट के जो रीसेंट गाइडेंस नोट आया उस गाइडेंस नोट में क्या बात की गई, क्या आंसर दिया गया। गाइडेंस नोट के पैरा 82.1 में सी इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में लिखा, अ क्वेश्चन में अराइज वेदर द अबव इंफॉर्मेशन यानी क्लॉज 44 की इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर और ओनली टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी गिवन। यानी ये कह रहा कि ये क्वेश्चन आया कि सर मान लीजिए आपका सारे खर्चे मिलाकर के 2.5 करोड़ का खर्चा है, 250 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर है। अब ये 250 लाख का एक्सपेंडिचर तो सर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में भी तो हो सकता है, से इसमें आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसमें आपके मोबाइल बिल्स आ गए, ऐसे 10, 15, 20 नेचर ऑफ बाइफर्केशन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में अराइज वेदर द अबव इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर और ओनली टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी गिवन। तो सी इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में गाइडेंस मिली, हियर गाइडेंस में बी टेकन फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द टेबल विच स्टार्ट्स विद द वर्ड ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये सी इंस्टीट्यूट का गाइडेंस कह रहा, एंड हेंस द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग परचेज, ये भी सी इंस्टीट्यूट की ओपिनियन आ गई कि टोटल एक्सपेंडिचर में परचेजेस को भी लेना, including purchase as per the above format may be given, it appears that headwise nature-wise expenditure detail is not envisaged in this clause. यानी आपको headwise या nature-wise expenditure का detail नहीं देना, आप तो एक अपनी excel sheet बनाइए या आपका accounting system से अगर इस प्रकार की कोई report आती हो तो आप उसका एक consolidated figure, और ये consolidation sir revenue और capital का भी एक साथ हो सकता है,
एक कंसोलिडेटेड फिगर ही जिसका क्लासिफिकेशन इन हेड्स में किया जाए वो भी देना सफिशियंट रहेगा, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट से आपको ओपिनियन मिलती दिखेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें समझना है। अब एक अगला क्वेश्चन लीजिए सर, विच हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ क्लॉज 44। केस क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग करते समय आप कौन से एक्सपेंडिचर को टोटल एक्सपेंडिचर में शामिल करने से छोड़ सकते हैं, सी इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में इस पर भी गाइडेंस आई। नंबर वन, पैरा 82.2 में कहा, डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32, डिडक्शन फॉर बैड डेट्स अंडर 3617 एक्सेट्रा विच आर नॉट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज इन एनी ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम 3 to 7। यानी फ्रॉम 3 to 7 कॉलम में आपको डेप्रिशिएशन को नहीं शामिल करना एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रिपोर्टिंग पर्पजेस से, और बैड डेट्स को नहीं शामिल करना। अब आप कहेंगे अनूप जी सैलरी का क्या हुआ, शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट 2017 लिस्ट आउट एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड दस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्टिविटी नीड नॉट बी रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज इन एनी ऑफ द कॉलम फ्रॉम 3 to 7। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल बोला, पैरा वन ऑफ द शेड्यूल 3 कवर्स सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड दस रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय नीड नॉट बी रिपोर्टेड। बड़ा क्लियर बोल दिया, सैलरी या वेजेस क्योंकि ये जीएसटी के कवरेज में नहीं है, तो इसलिए आपको इनको क्लॉज 44 रिपोर्ट करते समय एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में शामिल नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें आईसीआई की गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट पर मिलती है, जो हमारे लिए टैक्स ऑडिट का प्रारूप फाइनल करते समय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, वो क्या कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सच रिपोर्टिंग। ये जो रिपोर्टिंग हो रही है सर, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कि हम क्या सार निकालें कि सरकार ये डेटा क्यों मांग रही है, या इस डेटा का एसएससी के असेसमेंट से क्या लेना देना होगा। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहता कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वही फाइनल इसका आंसर है, ये केवल मेरी एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है जो सही भी हो सकती है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि नहीं अनूप जी आपने ये गलत अंडरस्टैंडिंग बनाई, कृपया खुद को करेक्ट करिए। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर क्लॉज 44 में रिपोर्टिंग हो रही है सर, पहली बात तो वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की हो रही है। दूसरी बात, जैसा दिखता है कि टोटल एक्सपेंडिचर की एक साथ रिपोर्टिंग हो रही है, हेडवाइज नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि इसका एसएससी के आईटीआर की प्रोसेसिंग से कोई सीधा सीधा लेना देना होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिनका लेना देना, अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें ऑडिटर ने बोला है तो उनका लेना देना एसएससी के आईटीआर की प्रोसेसिंग से 143(1) के रूप में होता है, कि इधर टैक्स ऑडिटर ने बोला कि साहब इन्होंने 43(b) में ये एलिजिबल नहीं है, उधर एसएससी को डिसअलाउंस होगा, असेसिंग ऑफिसर उसको अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेट उसी तरीके से करेगा, इवन सीपीसी करेगी। ऑडिटर ने बोला ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में डिसअलाउड अमाउंट है, तो सीधे एसएससी के 143(1) में एडिशन होगा। लेकिन दोस्तों मेरी ओपिनियन में क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग का एसएससी के आईटीआर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सरकार कहीं ना कहीं यहां पर एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये देखें कि टोटल एक्सपेंडिचर यदि एक एसएससी करता है तो उनमें से कितना वो जीएसटी डीलर्स के साथ कर रहा है और कितना वो नॉन जीएसटी डीलर्स के साथ में कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सरकार ने हेडवाइज एक्सपेंडिचर नहीं मांगा, अभी सरकार ने केवल टोटल एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन मांगा है। तो मुझे नहीं लगता कि सर ये रिपोर्टिंग में अगर कहीं पर हमसे कुछ चूक हुई तो वो चूक एसएससी के लिए भारी पड़ने वाली है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप चूक करिए, लेकिन क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है और उसका एनालिसिस बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंपोजिशन डीलर्स का फिगर कैसे उठाएंगे, या हमारा अकाउंटिंग सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं है एसएससी का जो ये डिटेल दे पाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस चैलेंज को लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं एक और बात सर यहां गाइडेंस नोट से जुड़ूंगा, कि गाइडेंस नोट में जब ये भी कहा गया कि इट मे बी नोटेड दैट एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी क्वालिफाइज फॉर द डिडक्शन अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट रजिस्ट्रेशन और अदरवाइज ऑफ द पेई अंडर द जीएसटी हैज नो रिलेवेंस इन कंसिडरिंग अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। हालांकि ये पॉइंट दोस्तों मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्या शुरू में, कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, पर आप अगर टैक्स ऑडिट के परव्यू में हैं तो क्लॉज 44 आपके लिए एप्लीकेबल है। कहने का मतलब यह है सर कि जब इस प्रकार से देखा जा रहा है कि एसएससी जीएसटी में कवरेज में है या नहीं है, पर उसके ऊपर क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग है अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है,
तो इसका मतलब उसकी आईटीआर की प्रोसेसिंग से इस क्लॉज का सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात ये दोस्तों कि मैंने शायद ये बात पहले नहीं करी, यहां और क्लियर करूंगा कि प्लीज ध्यान रखिए, आप बिजनेस में हैं चाहे आप प्रोफेशन में हैं, ठीक है, अगर आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो दोनों ही सूरत में आप पर क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग लागू होती। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फर्टिनिटी के लिए, प्रोफेशनल फर्टिनिटी के लिए, जिसका आंसर हम यहां डिजाइन करने की कोशिश कर सकते हैं या निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट इफ बाइफर्केटेड डेटा इज नॉट अवेलेबल, कि अगर आपको क्लाइंट बाइफर्केशन नहीं दे पा रहा है इस प्रकार का जो क्लॉज 44 के टेबल में मांगा गया है, तो फिर क्या एक क्वालिफिकेशन या डिस्क्लेमर इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इस प्रकार से दिया जा सकता है क्या, दैट द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 44 आर नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी, हेंस वी आर अनेबल टू कमेंट। तो दोस्तों ना तो मैं इसके लिए हाँ बोलूंगा ना मैं इसके लिए ना बोलूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्क्रिशन, ये अथॉरिटी चार्टर अकाउंटेंट की है जो टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, कि या तो एसएससी एवं उनका अकाउंटिंग सिस्टम आपको डिटेल एनेबल करे ताकि आप क्लॉज 44 में रिपोर्टिंग करें, और यदि आपको इस प्रकार से एनेबलमेंट नहीं होता, आपको डेटा इस प्रकार से नहीं मिल पाता, तो मेरे ओपिनियन में टैक्स ऑडिटर के पास में अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करने के या डिस्क्लेमर देने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। सो फाइनली आई विल से माय डियर फ्रेंड्स दैट दिस क्लॉज 44 रिपोर्टिंग विच हैज अ काइंड ऑफ डिस्कशन नाउडेज अमंगस्ट द प्रोफेशनल फर्टिनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। आई वुड नॉट से दैट वन शुड टेक इट लाइटली, बट अगर आपको इसको रिपोर्टिंग में लेकर के जाना है तो आपको वो रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उस रिपोर्टिंग को करते समय किन चीजों को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, इन विषय पर जो मेरा एक मत बना, ओपिनियन बना, मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट के पोर्शन में सबके भले के लिए, सबकी भलाई के लिए जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।